हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूंग की दाल की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो काफ़ी हेल्दी होती है और बनकर भी झटपट से तैयार हो जाती है। इसके लिए हमने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, छिलके वाली। आप चाहें तो छिलका उतरी दाल भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल से टेस्ट ये खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। और आधा कटोरी हमने चावल लिए हैं। मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या तो दोनों इक्वल लें, नहीं तो दाल ज़्यादा और चावल कम। इसके बाद हम इस दाल चावल को मिक्स कर भिगो के धोकर साफ कर रख देंगे। आधा घंटे के लिए हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, मूंग की दाल की खिचड़ी बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। ये हेल्दी भी होती है और इसके फायदे बहुत होते हैं। गर्मियों में जब हमारा खाने का मन नहीं करता तो खिचड़ी ही एक ऑप्शन होती है कि फटाफट हम खिचड़ी बनाएं और खाएं। आप इसे दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए हम खिचड़ी ही बनाएंगे आज। अभी से हम मूंग की दाल और चावल को कुकर के अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हम पानी जो है 3 गुना रखेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और 1 चम्मच इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, नमक भी 1 चम्मच ऐड करेंगे, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हम 4 सीटी आने देंगे। जब प्रेशर अपने आप निकल जाएगा तो हम कुकर का ढकना खोल के देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये खिचड़ी जो है देसी घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हम घी ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने जीरा ऐड किया है और 1 पिंच के करीब हमने हींग ऐड किया है। इसमें हींग और जीरे का तड़का अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सिंपल खिचड़ी है। खिचड़ी को जितना सिंपल बनाया जाए वो खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, ये खिचड़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप इसे देसी घी डालकर खाएं, या दही के साथ खाएं, या नींबू निचोड़ कर खाएं, इस पर नींबू डालकर, ये हर प्रकार से अच्छी लगेगी। आपको जो पसंद हो उसके साथ ये खिचड़ी इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये खिचड़ी की रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।